नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोंती, पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती, तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु, जातर कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रहिछे देशर कोनोसी भी स्थानरु करि परिबे मतदान। निर्वाचन आयोग प्रस्तुत कले मेसिन, आसिला आरभीएम। निर्वाचन आयोग भोटिंग प्रक्रिया नहीं बड़ धरणर परिवर्तन करने प्रस्तुत होती। यह अनुसार बर्तमान देशर कौनसी स्थानूर आपण निजर निर्वाचन मंडली भोट देपर, अर्थात आपण को आउ भोट देवाई निजर घर को जवा जरूरी नुहे। नुआ टेक्नोलोजी आपण कौन स्थानूर भोट देपरेंगे। रिमोट भोटिंग निर्वाचन आयोग प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रोनिक्स भोटिंग मेसीन प्रस्तुत करती। मेसीन पोलिंग बूथ रु 62 अलग अलग स्थान में भोटिंग कर तेरे निर्वाचन आयोग यह मेसीन टेस्टिंग समस्त राजनैतिक दल को आमंत्रण कर 2023 जनवरी 16 तारीख में आयोग आरभीएम काम करने शैली नहीं 8 राष्ट्रीय दल और 57 राज्यस्तर दल को आमंत्रण कर समय आयोग टेक्निकाल टीम एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहिबे। समस्त को यह केउभली परिचालना से ही बाबद अवगत करा। निर्वाचन आयोग जनवरी 31 सुधा भोटिंग सिस्टम को नहीं दलर राय मागिछंती। तबे आयोगों कहिबा अनुसार सब राजनैतिक दल निजर मत रखिछंती, जार आधार में भोटिंग प्रक्रिया को आग को बढ़ा। जदि यह आरभीएम सिस्टम को मंजूरी मिले तेरे प्रवासी लोक मैंने घर ठू दूरे रही विभिन्न सहर तथा राज्य में निजर भोट देपरेंगे। से घर को आसी भोट देवाक पड़ना बाहर रही निजर नेता निर्वाचित करेंगे। तेरे विभिन्न समय विभिन्न कारण लोके बाहर रही था। निर्वाचन समय से घर को आसपा चाहिए था कि संभव हो पार नए। यह स्थित अधिक संख्यार भोट से मताधिकार सब्यस्त करें। तबे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत आरभीएम मेसीन वर्तमान भोट देवे लोक कर मेसीन सहायतार 62 अलग अलग बूथ में आपण मताधिकार सब्यस्त करें। देखा पड़ती खबर 113 थर सुरक्षा प्रोटोकल भांगिले राहुल गांधी। 2020 रु एवे जाए 113 थर सुरक्षा प्रोटोकल भांगिले राहुल कहले सीआरपीएफ। तेज 2020 रु एवे जाए 113 सुरक्षा प्रोटोकल भांगिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीआरपीएफ पक्षर एने सूचना दी जाए जितेबाला भारत जोड़ा यात्रा दिल्ली में प्रवेश करते दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को सुरक्षा देवे विफल होता बोली कांग्रेस दावी कर। तबे कांग्रेस राहुल गांधी को सुरक्षा निश्चित करिया नै केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह को एने निकट में चिठी लिखी था। भारत जोड़ा यात्रा समय जेड प्लस सिक्यूरीटी जनता को नियंत्रण करिवारे विफल होइछि बोली चिठीरे उल्लेख करा जायथिला। यापर सीआरपीएफ पक्षर स्पष्टीकरण दिजा पर यह घटना सामना आसी। तबे सीआरपीएफ कांग्रेस जातीय साधारण संपादक केसी भेनुगोपाल को कहते जे अनेक थर राहुल गांधी निर्देशावली उल्लंघन करते तथ्य समय समय जन दिजाला। तबे 2020 पर 113 सुरक्षा प्रोटोकल उल्लंघन करते राहुल गांधी तांको सुरक्षा देवे अवहेला कर जथेष्ट पुलिस कर्मचारी नियोजित कर सुरक्षा आदम त्रुटि सीआरपीएफ पक्षर कह। उत्ती खबर अनुगुलवासी को मुख्यमंत्री को भेटी 1805 कोटी विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ और शिलान्यास कले नवीन। मिशन शक्ति महिला को मिला 242 कोटी टंकार ऋण सहायता। तेरे अनुगुल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 11 प्रकल्पर शुभारंभ सह 13 अधिक प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंति मुख्यमंत्री। एथिपाई 1805 कोटी टंका खर्च करिबे राज्य सरकार। से भले मिशन शक्ति महिला को भेटवा सह 242 कोटी टंका ऋणर प्रदान करिसेंति नवीन, जहाद्वारा जिलार 75,000 स्वावलंबी महिला उपकृत हेबे। याबात अनुगुल बस स्टैंड पाल लहड़े महिला और शिशु चिकित्सापी नुआ डाक्तरखाना तालचेर पौरपालिका अधीन निर्माण होता हेरिटेज शुभारंभ हो। निजर अभिभाषण में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विकास होगी अनुगुल सबुठ बड़ परिचय। शिल्प क्षेत्र में अनुगुल देशर आगुआ जिला, एठार अनेक शिल्प रही तेज निजुक्ति सुजोग रही अर्थनीति आग को बढ़ीचे। एवं अनुगुल 1805 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प आरंभ हो जाए तेज जहाँ जिलार विकास धारा को आहरी मजबूत कर। अनुगुल जिले में 2 बड़ पानी जल प्रकल्प कर राज्य कैबिनेट मंजूरी। जिलार 41 पंचायत लोक मैंने शुद्ध पानी जल पाइपर। देखा पड़ती खबर जनवरी 26 पूर्व ओडिशा 5G सेवा। केन्द्र रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बड़ घोषणा।
जानुरी 26 पूर्वर ओडिसा रे 5G सेवा आरंभ हेबो। केंद्र रेल ओ आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव एने घोषणा कइछंती। ओडिसा को प्रथम पर्याय रे 5G सेवा मिलिबो बोली कइछंती। तबे जा खूब शीघ्र पूर्ण हेबाक जाउछे। भुवनेश्वर स्टेशन हेबो विश्वस्तरीय। जर्मनी जापान भली झलक देखबाक मिलिबो। एने टेंडर होइछे, खूब शीघ्र काम आरंभ हेबो। सेपटे से आहुरी मध्य कहते रेलर विकास आदम राजनीति न हो। केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतिक्रिया कहते कि से आहुरी मध्य कहते जहाँकि 4.5 कोटी ओडियां विकास दायित्व नरेन्द्र मोदी नहीं राजनीति ऊर्धर रही विकास प्रति ध्यान दि जाऊँगी। अर्थ जमी इच्छाशक्ति सब संभव हो पार। राज्य सरकार जमीपाई अनुमति दे प्रकल्प आगे। रेलवे और टेलिकम क्षेत्र में अवहेला अभोग आसुच्छे। पूर्वर प्रकल्प पई ओडिसा को 800 कोटी दे जाउथिला। एबे मोदी जी 10,000 कोटी टंका देलेनी। कहार साहस अछि ओडिसा को अवहेला कथा कहि परिबेनी। तबे जेते टंका दरकार विनियोग करबाकु नरेंद्र मोदी कहिछन्ती। अदेखे प्रति खबर अनुदान प्राप्त शिक्षक को नुआ वर्ष भेटी। केउटी उत्साहत केउटी निराश। राज्य 26,164 ग्रांट इन एड शिक्षक और कर्मचारी को नुआ वर्ष भेटी देइछन्ती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गतकाली कैबिनेट बैठक रे होइथुआ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अनुसार अनुदान प्राप्त शिक्षकों पर लागू होइछि सप्तम वेतन कमिशन। निष्पत्ति अनुसार अनुदान प्राप्त बेसरकारी हाईस्कल, यूपी स्कूल और मद्रासा शिक्षकों को सप्तम वेतन कमिशन हर में मिल दरमा। फल उपकृत हे 26,164 शिक्षक और कर्मचारी। 2021 डिसेंबर 31 सुधा 100% अनुदान पाउथुआ शिक्षक और कर्मचारी हेबे योग्य। एथिपाई राज्य सरकार वर्षक 280 कोटी 48 लक्ष टंका खर्च करिवे। स्कूल कॉलेज गुड़िक शिक्षक आवश्यकता को पूरण करने एकाधिक क्याडर तैयारी करिछि राज्य शिक्षा विभाग। तेणु गोटे गोष्ठी को सरकार खुशी करुवा बेले अन्य गोष्ठी निराश होती। राज्य में प्राय 22,000 गणशिक्षकों को निजुक्ति कर 18,000 गणशिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक एक्स क्याडर भाव नियमित कर किंतु बड़का थिबा 4,000 गणशिक्षकों को अणदेखा करा अभियोग मात्र 7,000 टंकार मासिक दरमारे से किभली परिवार चलाइबे बोली प्रश्न उठी। सेहीपरी कनिष्ठ शिक्षक माने सरकार विरोध में आनी प्रतारणा अभियोग। सेहीपरी विभिन्न दाबी नहीं भुवनेश्वर लॉयर पीएमजी रे धरणा बसिंट ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स यूनियन। सरकारी मान्यता सह मासिक 18,000 टंका दरमा और सहायिका मानक 9,000 टंका प्रदान पर दाबी कर नर्ष में सरकार से दाबी पूरण करेंगे बोली आशा बांधि अच्छा अंगनवाड़ी कर्मी। तेरे सरकारों पर अड़ुआ सृष्टि कर ठिकार निजुक्ति केतबेले नियमित करने तो केतबेले दरमा वृद्धि करने को भुवनेश्वर में चला जा आंदोलन। तेरे गोटे गोष्ठी को खुशी करने घोषणा होता बेले अन्य गोष्ठी को निराश होगा पड़ुछे। अधिका वृद्धि खबर जानुरी देश में बढ़िपे कोरोना संक्रमित संख्या आवश्यक कि चतुर्थ बुस्टर डोज। विदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ापर एवं भारत में संक्रमण बढ़िया आशंका रही है। यार भितर चतुर्थ डोज को नहीं चर्चा बढ़ी जाए। देश में अधिकांश लोक दुईट डोज नहीं तृतीय डोज बा बुस्टर डोज अनेक नहींपर भी भारत में एजाव संक्रमित संख्या कम रही है। किंतु युक्तराष्ट्र आमेरिका और ब्रिटेन परी देशगुड़ चतुर्थ डोज्र बुस्टर डोज दि जाए। तेणु यह एवं देश में तर्क आरंभ हो जाए। तेज आमेरिका और ब्रिटेन में चतुर्थ बुस्टर डोज दि जाए। बारंबार कोरोना संक्रमित होथरु टीकार प्रभाव अवधि को नहीं प्रश्न उठी। कोविड योद्धा को चतुर्थ डोज देवाने चिंता करने आवश्यक। आईएमए र पूर्वतन अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल कहते हैं भारत में द्वितीय बुस्टर डोज पर सरकार अनुमति देवा उचित कि नुहे अनुधान करने को वैज्ञानिकों परामर्श। रोगी बयस क्यों टीका नहीं निर्भर कै चतुर्थ डोज। अदेखा प्रति खबर जानुरी 1 नुआ नियम 1 बड़ परिवर्तन आपण प्रभावित नुआ वर्ष अनेक बड़ परिवर्तन घटना को जाए जहाँ साधारण लोक सीधा साल प्रभावित कर। बैंक लकर रु आरंभ कर कार कि सहित जड़ित समस्त नियम परिवर्तन सामिल रही है। तेज आसतु देखा आगामी मसर प्रथम क्यों नियम लागू हो नुआ वर्षु कार कि महंगा हो कार ऑटो कंपनी गुड़िक गाड़ी मूल्य वृद्धि करने को जातीत क्रेडिट कार्ड नियम सहित अन्य किसी परिवर्तन होगा जाए जहाँ आपण पकेट उपर सीधा सड़क प्रभाव पक आसंस प्रथम परिवर्तन गुड़िक कार्यकारी होगा विषय में सूचना मिलू। तेज जो नुआ वर्ष में कार कि योजना करूँ को एक बड़ झटका लगे जाए। मारुति सुजुकी हुंडई मोटर टाटा मोटर्स मर्सीडीज बेन्ज ओ आडी रोनाल्ड किया इंडिया एवं एमजी मोटर जनवरी 1 2023 रु कार मूल्य वृद्धि करने नहीं घोषणा करती। होंडा कार मूल्य 30,000 टंका वृद्धि करिवोली सूचना मिलू।
ଏଥିସହିତ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତାହାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2 ଜାନୁଆରୀ 2023 ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ ଗ୍ରାହକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଲକର୍ରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PNB ପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ SMS ପଠାଉଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର GST ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାରବାର 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୀମା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର EMI ନମ୍ବର ସହିତ ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା, ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନ୍ର EMI ନମ୍ବରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଚୋରା କାରବାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସସ୍ତାବ TV ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଏ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଶୁଳ୍କ ଅର୍ଡର୍ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ସେବା ଏହି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 19 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁକ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା କେବୁଲ୍ ଏବଂ DTH ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ 1 ଫେବୃଆରୀ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଉପାୟରେ ଦେୟ ଦେବା କାରବାରରେ ମୋଟ ରାଶି ଉପରେ 1% ଚାର୍ଜ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ରିୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଥିସହିତ SBI କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ SBI କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବ କରୋନା, ଏବେ ତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଚାଲିଛି, ମରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଦାବି। ଚୀନରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଭାଇରସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚୀନ, ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ମାମଲା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆହୁରି ଡରାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କରୋନା ଆଉ ଏକ ଲହର ଆଣିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇବେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ନେଇ ସରକାର ସତର୍କ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଏପଟେ କରୋନା, ସେପଟେ ଶୀତ, ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ବନ୍ଦ। ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଡରାଉଛି କରୋନା। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ UPର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ UPରେ ମେରଟ, ବରେଲି, ଆଲିଗଡ଼, ପିଲିଭିତ ଏବଂ ଶାହାଜାନପୁରରେ ସହରଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ କିପରି ମିଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ 2020 ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ November 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 28.42 କୋଟି ଲୋକ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାହାର ବୟସ 16ରୁ 69 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଇଶ୍ରମ.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୋକାନୀ, ବିକ୍ରେତା, ହେଲ୍ପର, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋରୁପାଳକ, ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରେତା, କାଗଜ ହକର, ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି, ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରି ବାଳକ, ଇଟା ଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗରେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଇ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ କ'ଣ? ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା
शारीरिक अक्षमता हेले सेमानकु 2 लाख टंका प्रदान करि जीवो आंशिक अक्षमता क्षेत्र रे 1 लाख टंका सहायता दिए जीवो तबे पंजीकरण पई ए सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पोर्टल रे ऑनलाइन पंजीकरण पई आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट एवं मोबाइल नंबर रहिबा आवश्यक मोबाइल नंबर को आधार सहित लिंक करिबा मध्य आवश्यक ओ देखे प्रति खबर ईपीएफ 6 कोटी लोकंकु सतर्क पानी एई फुल करिबा द्वारा अकाउंट होइ जीवो खाली 10 रु अधिक लोक काम करथुवा जेकोनसी कंपनी बा फैक्ट्री रे कर्मचारी को पीएफ काटिबा बाध्यतामूलक एहा को प्रकार संचय राशि जहां तांको वृद्ध काल रे मध्य एवं कोनोसी जरूरी परिस्थिति रे मध्य फेरस्त मिलिथाय कंपनी एही राशि को कोट काटी तांकर भविष्य निधि खाता रे जमा करिथांती जहां को से परे हासर करि परिबे एबे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निजर 6 कोटी रु अधिक अकाउंट धनी को अलर्ट जारी करिछे जहां लोकंकर होश उड़ाई दम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लोकंकु सचेतन करि ट्विटर रे एक मेसेज मध्य जारी करिछे ईपीएफओ लेखिछि जे साइबर ठक आपनको खाता रु टंका उठाइबा पई बोनस कैशबैक गिफ्ट किंबा अन्य कोनसी लोभ देखाई लोकंकु निजर शिकार बनाती मन रखंतु एही ठक थरे जदि आपनकु समरकर अख्तियार को नै गले ताहाले आपनको खातारु पूरा टंका चळु करि देबे एथिमै संगठन स्पष्ट कहिछि जे जे कोनसी अकाउंट धनी को फोन नंबर किंबा मेसेज करी समरकर व्यक्तिगत तथ्य जेमिति कि पान कार्ड यूएन बैंक डिटेल पासवर्ड एवं ओटीपी को शेयर करबाकु कहितांती तबे संगठन कहिछि जे जदि केही ठक निजको ईपीएफ रो अधिकारी बा कर्मचारी कोंती तबे जानि रखंतु कि से मिच्छ कहुछे तबे सतर्क हो जांतु अ देखे प्रति खबर आसुची पुणी एक लघुचाप एपटे ओडिसा रे शीत गायब रात्र तापमात्रा 5 रु 8 डिग्री पर्यंत वृद्धि आगो को होई पारे बड़ वर्षा ओडिसा रु सते जेपरी शीत उफान हो जाइछे रात्रि तापमात्रा रे अस्वाभाविक वृद्धि घटिछे अधिकांश स्थान रे रात्र तापमात्रा 5 रु 8 डिग्री पर्यंत वृद्धि पौथुआ भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछे तबे सामुद्रिक उष्म जलीय बाष्पपूर्ण वायु प्रभाव रे राज्य रे शीत कमिथुआ विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछे तबे पुरी रे रात्र तापमात्रा सर्वोच्च 24 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे यहा व्यतीत पारादीप रे 23.2 चांदवाली रे 22 खोर्धा रे 21 ओ कटक एवं भुवनेश्वर रे 19.8 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे तबे पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास कहिछन्ती जे उत्तर भारत रे मध्य चलित वर्ष तुषारपात कम रहिछे जम्मू ओ काश्मीर रे 99% हिमाचल प्रदेश रे 90% और उत्तर प्रदेश रे 98% कम तुषारपात रही फल ओडिशा रे यार प्रभाव देखा मिले सेपटे आग को पुणे एक लघुचाप नहीं संभावना राज्य हो पारे प्रबल वर्षा अधिका प्रति खबर कोविड मुकाबला को बड़ बड़ कोविन रे सामिल है नाजाल वैक्सीन इनकोभैक तेरे कोविड मुकाबला को बड़ बड़ खाली सीरीज नुहे नाक पुणे भी नहीं हे कोरोना वैक्सीन शनिवार संध्या कोविन आप्रे हैदराबाद भित्तिक भारत बायोटेक रो नाजाल वैक्सीन इनकोभैक सामिल होगा पर देश में कोविड टीकाकरण अभियान रे जोड़ी हो जाइछि नुआ अध्याय प्रारंभिक भाव इनकोभैक टीका घर हस्पिटाल उपलब्ध हेबो स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत रे एही नाजाल वैक्सीन दुई प्रकार बाटरे कोविड को मात देबो पूर्व टीका गुड़ी भली एहा शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबो एवं नाक ओ गला बाटे शरीर को कोरोना भूताणु प्रवेश को मध्य रोकिबार समर्थ हेबो तबे बाजार में उपलब्ध होगा पर लोके याकु निजर व्यवहार करी कोविड मुकबलू बर्ती पारे बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ खबर कोरोना काल में युक्त दुई परीक्षा मार्च पहिलारु आरंभ हो युक्त दुई थियोरी परीक्षा खूब शीघ्र सेचासी घोषणा करिबो लिस्ट कोरोना पुणी डराउथा बेले मार्च पहिलारु आरंभ हेबाकु जाउछि युक्त दुई थियोरी परीक्षा एका समय रे कला वाणिज्य विज्ञान ओ धंदामूलक विभाग परीक्षार्थी परीक्षा अनुष्ठित हेबो मासे पर्यंत एही परीक्षा चलिबो थ्योरी परीक्षा आरंभ होबार मासे पूर्वरु अर्थात फेब्रुवारी पहिलारु प्राक्टिकल विषय गुड़िकर परीक्षा आरंभ हेबो जहाकि गोटे सप्ताह धरि जारी रहिबो तबे केउ दिन केउ विषय रे परीक्षा रहिछि सेने खूब शीघ्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई पक्षरु घोषणा करि जिवो सेपटे विश्वरे बढ़ुआ कोविड संक्रमण को नजर रखी राज्य सरकार पक्षर दशम और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा में मास्क परिधान और सामाजिक दूरता रक्षा को बाध्यतामूलक विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहते प्रति खबर चीन को भारत भरोसा भारत तैयारी औषध भरोसा चीन नागरिक चीन में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाता बेले देशवासी भारत तैयारी औषध उपर भरोसा कर चीन एवं भारत तैयारी औषधर कला बजार पलटि कोरोना भूताणु संक्रमण चिकित्सा निम्ते चीन सरकार निजस्व प्रस्तुत दुईट औषध को अनुमोदन करती दुईट औषध है फाइजर पैक्सलोविड और आजुबुटाइन आजुबुटाइन एचआईवी ड्रग्स जहाँ कोरोना संक्रमण नियंत्रण अनुमोदन कर चीन सरकार को अनुमोदित दुई कोरोना औषध निर्दिष्ट डाक्तरखाना गुड़िक उपलब्ध होती खबर एथर जोरदार फाइट मुख्यमंत्री को कड़ा समालोचना कले नाडा
राज्य सरकार और मुख्यमंत्री बर्षिले बीजेपी सभापति नड्डा ओडिशा मटे नवीन को टार्गेट तुमुड़ी बंध सभा राज्य सरकार को समालोचना कले नड्डा प्रदेश हित कथा कहुआ नवीन बाबू आयुष्मान भारत योजन 60 लक्ष लोक वंचित कर मोदी स्वास्थ्य सेवा देवा चाहूले हे नवीन से बाधा सृष्टि कर सरकार को एठा रखा उचित कि प्रश्न पचारिथिले नड्डा एभली सरकार को आगामी निर्वाचन में हटावे आह्वान देले तबे ओडिशा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक काम करिसंती कहिले नड्डा देशर सर्वाधिक 87 एकलव्य आवासिक स्कूल ओडिशा रे होईचे 300 कोटी टंकारे भुवनेश्वर रेल स्टेशन चकाचक होउचे प्रति घर को ट्याप पानी पई 3323 कोटी टंका खर्च करे जाईचे।